नमस्कार, मैं हूं आज बहराइच जिले में घाघरा नदी के किनारे नदी संरक्षण केंद्र पर। ये लखनऊ से गोंडा की तरफ हाईवे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बहराइच जिले में पड़ता है। यहां से आधे किलोमीटर की दूरी पर ही घाघरा नदी है। जस्ट ये बगल में ही यहां से 50 मीटर की दूरी पर ही बंधा है जो घाघरा नदी के किनारे है। और ये जो गाँव है इसका नाम है छुड़ीपुरवा। ये मछुआरों का गांव है और घाघरा नदी के किनारे ऐसे बहुत सारे मछुआरों के गांव हैं। तो टर्टल सर्वाइवल अलायंस नाम की एक संस्था जो है, जो पूरे विश्व में कछुओं के संरक्षण और उनके शोध के लिए काम कर रही है, उसने यहां पर घाघरा नदी में कछुओं को और दूसरे जो फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे डॉल्फिन है, घड़ियाल हैं, कई प्रजातियों के कछुए हैं, तो उनको बचाने के लिए यहाँ पर नदी संरक्षण केंद्र खोला गया मछुआरों के इस गांव में। इस केंद्र का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर लोगों को, जो मछुआरे हैं, उनको कोई अल्टरनेट लिवलीहुड की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको उनकी आजीविका के लिए कोई दूसरा जो काम है वो सिखाया जाएगा, ताकि वो मछली पकड़ना छोड़े, कोई दूसरा काम करें, ताकि नदी पर वो नकारात्मक प्रभाव न डालें, बल्कि यहाँ के लोग जिनकी नदी की जो समझ है उसका उपयोग नदी के संरक्षण में हो सके। आजकल मछली पकड़ने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल चुका है। आज मच्छरदानी वाले जाल लेकर मछुआरे जो हैं वो नदी में, तालाब में जाते हैं और वहाँ पर वो मछली, कछुए, दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सारे के सारे उस जाल में फंस जाते हैं और बड़ी तेज़ी से नदी के अंदर जो जानवर हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। कछुए ख़त्म होने लगते हैं, घड़ियाल, डॉल्फिन ख़त्म होने लगते हैं। तो इन सारे एक्वेटिक एनिमल्स को बचाने के लिए ज़रूरी ये है कि जो ये महीन मच्छरदानी वाले जाल हैं, जो अवैध भी हैं, उनका इस्तेमाल ना हो। और जो आज जिस तरह की चीज़ें, जो तरीके अपनाए जा रहे हैं मछली पकड़ने के, वो तरीके ना अपनाए जाएं। और ये तभी संभव है जब लोग मछली पकड़ना छोड़कर और कोई दूसरा आजीविका का साधन अपना लें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मछली पकड़ने का जो काम है उसका नदी पर और नदी के जो दूसरे जानवर हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम मछली पकड़ने का जो काम है उसको रोकेंगे और उसका हम कोई दूसरा जो अल्टरनेट है उसको हम अगर अपना लेंगे, तो हम नदी को और नदी के जलीय जीवों को बचा पाएंगे। यही इस नदी संरक्षण केंद्र का उद्देश्य है और हम सभी को नदी को और नदी के एनिमल्स को बचाने के लिए इस तरह से सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद।